छात्रों बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत में शिक्षा है, इसके अंदर जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य कौन कौन से छात्रों? चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। कौन कौन छात्रों? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध का मार्ग। छात्रों भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार दुखों का घर है और जन्म मृत्यु बुढ़ापा धन का विनाश प्रियजनों का वियोग सभी दुख के कारण है। भगवान बुद्ध ने क्या है क्या 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 कहा है छात्रों कि संसार है, संसार क्या है? दुखों का कारण है और चारों तरफ दुख ही दुख विद्यमान है। जन्म जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग धन का विनाश प्रियजनों का वियोग ये सभी क्या है? दुख के कारण है। दुख समुदाय दूसरा जो चार आर्य सत्य के अंदर क्या है? दुख समुदाय। इसके अंदर संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। संसार में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा इच्छाएं। अगर यदि आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है और इच्छाएं अगर आपको अत्यधिक इच्छाएं और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही तो क्या है कि आपको दुख होगा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या है क्या कहा है? संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा अर्थात इच्छाएं। इच्छाओं पर नियंत्रण करने करके आप दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। दुखों का कारण ही क्या है? इच्छा है। छात्रों दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब क्या चाहता हूं कि मनुष्य तृष्णाओं से छुटकारा प्राप्त करके दुखों से मुक्त हो सकता है। अर्थात अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपनी वासनाओं का दमन करके मनुष्य क्या कर सकता है? दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो दुख का दुख निरोध का मतलब क्या चाहता हूं? मनुष्य तृष्णाओं से छुटकारा प्राप्त करके या दुखों से मुक्त होकर क्या कर सकता है कि ये जो दुख को दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। मनुष्य तृष्णाओं अर्थात इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त करके, वासनाओं का दमन करके दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ये चौथा आर्य सत्य कौन सा छात्रों? दुख निरोध का मार्ग। तो दुख निरोध अर्थात मार्ग क्या है? दुख का नियंत्रण करने का मार्ग क्या है? दुख को रोकने का मार्ग क्या है छात्रों? तो दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। कौन सा मार्ग छात्रों? अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए किसका पालन करना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। छात्रों जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है तथा अष्टांगिक मार्ग को बोध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है छात्रों? अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है और बोध भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी इसे कहा जाता है। छात्रों अब अष्टांगिक मार्ग क्या है उसके बारे में देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत छात्रों की महात्मा बुद्ध ने जो दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए आठ जो नियम बताए हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो आठ नियम है छात्रों वो कौन से हैं? वो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। तो ये आठ है जो नियम कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं छात्रों। पहले अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग छात्रों समयक दृष्टि। इसका मतलब छात्रों कि सत्य असत्य पाप पुण्य सदाचार दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करना ही पाप पुण्य दुराचार सदाचार में भेद करना ही सत्य का ज्ञान है। सत्य का ज्ञान है। सम्यक संकल्प कामना मतलब इच्छा हिंसा कामना हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय। कामना हिंसा से मुक्त
पक्का आत्मकल्याण का कल्याण का निश्चय, आत्मकल्याण का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक संकल्प है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सत्य विरंग मृदु वचन तथा सत्य विनम्र मृदु वचन तथा संयमित वाणी तथा वाणी पर संयम रखना, संयम ही सम्यक वाणी है, सम्यक वाणी है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्मांतक, सम्यक कर्मांतक, सम्यक कर्मांतक, कर्मों की पवित्रता रखना, कर्मों की पवित्रता रखना, हिंसा दुराचार से बचना, हिंसा दुराचार से बचना, हिंसा दुराचार से बचना, सदकर्म करना, करना सम्यक आजीव, सम्यक आजीव या आजीविका, सम्यक आजीव या सम्यक आजीव आजीविका, न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से आजीविका चलाना, आजीविका चलाना, न्यायपूर्ण तरीके से आजीविका चलाना, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न, सम्यक प्रयत्न, सदकर्मों के लिए निरंतर कार्य करना, सदकर्मों के लिए निरंतर कार्य करना, सदकर्मों के लिए निरंतर कार्य करना, सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, माया मोह लोभ से बचना, वह उत्तम शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण करना। छात्रों इस प्रकार से जो ये सम्यक समाधि, सम्यक समाधि समय के समाधि राग
द्वेष, राग द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना, राग द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना, बनाए रखना समय समाधि राग द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना। छात्रों अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। छात्रों ये 8 नियमों का पालन करके जो मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों ये कौन से 8 नियम है? 8 नियमों को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, पहला कौन सा? सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य असत्य पाप पुण्य दुराचार सदाचार में भेद करना ही सत्य का ज्ञान है। सत्य असत्य में भेद होना करना, पाप पुण्य में भेद करना, दुराचार में सदाचार के अंदर भेद करना, ये ही क्या है? सत्य ज्ञान है। समय संकल्प कामना वे कामना अर्थात इच्छा, इच्छा हिंसा से मुक्त पक्का आत्म कल्याण का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। कामना तथा हिंसा से मुक्त पक्का निश्चय ही आत्म कल्याण के लिए, जो कामना अर्थात इच्छाओं तथा हिंसा से मुक्त होकर आत्म कल्याण के लिए किया गया पक्का निश्चय ही क्या है? कि सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी, सदा सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, विनम्र बोलना चाहिए, हमारी वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, इस प्रकार की जो वाणी बोलनी चाहिए, तो ये ही क्या है? सम्यक वाणी है। तो सम्यक वाणी के लिए सत्य विनम्र मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांतक कर्मों की पवित्रता रखना, सदकर्म करना, हिंसा दुराचार से बचना और सदकर्म करना, ये क्या है कि सम्यक कर्मांतक अर्थात सदकर्म करना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए, हमारे कर्मों द्वारा हमारे कार्यों द्वारा किसी अन्य को कोई ठेस नहीं पहुंचे, तथा जो कर्मों की पवित्रता रखनी चाहिए, दुराचार से दूर रहना चाहिए, बुरे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, हमेशा सदकर्म करना चाहिए, तो ये क्या है? सम्यक कर्मांतक। सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण तरीके से आजीविका चलाना। सम्यक आजीव क्या छात्रों? न्यायपूर्ण तरीके से जो आजीविका चलाना। छात्रों सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम को सम्यक प्रयत्न भी कहा जाता है। सदकर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए सदा ही क्या करना चाहिए? निरंतर जो कार्य करना चाहिए। छात्रों सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति के अंतर्गत क्या है छात्रों? इसके अंतर्गत कि माया मोह लोभ से बचना चाहिए, उत्तम शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। किससे बचना चाहिए? माया मोह से बचना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए, उत्तम शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। सम्यक समाधि छात्रों, ये क्या अगला क्या है? सम्यक समाधि, राग द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना। किससे? राग द्वेष से रहित होकर एकाग्रता बनाए रखना क्या कहलाता है? सम्यक समाधि कहलाता है। तो छात्रों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांतक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन जो अष्टांगिक मार्गों को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है, इसे ही मध्यम मार्ग कहा जाता है। इनका पालन करने से क्या होता है? मोक्ष प्राप्त मनुष्य कर सकता है। तो छात्रों तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर ये अष्टांगिक मार्ग बताए गए। अब छात्रों बौद्ध धर्म के 10 शील सिद्धांत, बौद्ध धर्म के अंदर 10 सिद्धांत बताए गए। छात्रों 10 शील सिद्धांत मनुष्य को चरित्रवान बनने के लिए, मनुष्य का नैतिक चरित्र उत्तम बनाने के लिए 10 शील सिद्धांत तो 10 शील सिद्धांत कौन कौन से छात्रों, उसके बारे में हम देखते हैं। छात्रों इसके अंतर्गत कि भगवान बुद्ध ने नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया। भगवान बुद्ध ने नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया, उत्तम बनाने पर बल दिया,
भगवान बुद्ध ने नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने पर बल दिया और इसके लिए 10 सिद्धांत दिए और इसके लिए 10 सिद्धांत दिए इसके लिए 10 सिद्धांत दिए। तो ये 10 सिद्धांत कौन कौन से थे उनके बारे में देख लेते छात्रों कि ये 10 सिद्धांत थे। अहिंसा, अहिंसा सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, चोरी ना करना, वस्तुओं का संग्रह ना करना, वस्तुओं का संग्रह ना करना, वस्तुओं का संग्रह ना करना, भोग विलास से दूर रहना, भोग विलास से दूर रहना, भोग विलास से दूर रहना, नृत्य संगीत का त्याग करना, नृत्य संगीत का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग, कोमल शैया का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना, स्त्री का त्याग करना। तो छात्रों इस प्रकार से जो ये 10 शील सिद्धांत बताए गए हैं, किसने बताए छात्रों, ये बौद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध द्वारा ये 10 शील सिद्धांत बताए गए। महात्मा बुद्ध नैतिक मनुष्य के नैतिक चरित्र को उत्तम बनाना चाहते थे, नैतिक और मनुष्य के नैतिक चरित्र को उत्तम बनाने के लिए उन्होंने 10 शील सिद्धांत दिए। कौन कौन सिद्धांत थे? अहिंसा, अहिंसा दा, अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमारे द्वारा जो कार्य किए गए इनसे किसी भी जीव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को या उसके शरीर को ठेस न पहुंचे। तो इस प्रकार से अहिंसा का, हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। छात्रों ये जो चार नियम है ये जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में एक प्रकार समान समान है। जैन धर्म के अंदर भी यही था, अहिंसा सत्य अस्ते अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब वस्तुओं का संग्रह न करना। तो ये चार जो ये सिद्धांत बताए गए जैन धर्म में भी ये ऐसे ये चार सिद्धांत हैं तथा ये बौद्ध धर्म के अंदर भी सिद्धांत विद्यमान है। छात्रों तो वो क्या बताया गया है? अहिंसा, सदा अहिंसा का पालन करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, और चोरी नहीं करनी चाहिए, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, भोग विलास से दूर रहना चाहिए, नृत्य संगीत का त्याग करना चाहिए, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, असमय भोजन का त्याग करना चाहिए, कोमल शैया का त्याग करना चाहिए, स्त्री का त्याग करना चाहिए। तो छात्रों ये 10 शील सिद्धांत है, इन 10 शील सिद्धांतों का पालन करने से क्या होगा? 10 शील सिद्धांतों का पालन करने से जो मनुष्य अपने जो चरित्र को नैतिक उत्तम, अपने चरित्र को उत्तम बना सकता है। छात्रों इसके अतिरिक्त जो अगला सिद्धांत है वेदों की प्रमाणिकता का खंडन, वेदों की प्रमाणिकता का खंडन, वेदों की प्रमाणिकता का खंडन, वेदों की प्रमाणिकता का खंडन। छात्रों भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है,
वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं है। ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित रखना सही नहीं है। वेदों तक सीमित रखना सही नहीं है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। छात्रों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने कहा है कि वेदों में कही गई बातें अंतिम सत्य नहीं, अर्थात वेद वो अंतिम सत्य नहीं है। वेदों के अलावा भी बहुत कुछ है जो है। छात्रों, ज्ञान की सीमा को वेदों तक सीमित रखना सही नहीं है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि ज्ञान की सीमा परे है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। वेदों तक ही ज्ञान की सीमा को रखना, ज्ञान को बांधना, ये सर्वथा अनुचित है। बौद्ध धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो ईश्वर है वो सृष्टि का निर्माता नहीं है, अर्थात बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है और ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही नास्तिक धर्म है छात्रों, और ये ईश्वर के अंदर, ईश्वर की सत्ता के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं। छात्रों, कर्मवाद जो अगला है छात्रों, अगला सिद्धांत है कर्मवाद। छात्रों, जो बौद्ध तथा जैन धर्म में दोनों ने कर्मवाद को, अर्थात कर्म को सर्वोपरि माना है। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसके अंदर क्या बताया गया छात्रों कि भगवान बुद्ध क्या बताते हैं कि मनुष्य जैसा का कर्म करेगा उसे वैसा ही कर्म करना पड़ेगा, और अगले जन्म के अंदर, इस जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा और अगले जन्म में भी उसे कर्म, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। तो छात्रों, इससे स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु पुनर्जन्म पर जो ये विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म तो होता है। छात्रों, कर्मवाद का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया बौद्ध धर्म के अंदर कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मनुष्य को कर्मों का फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। मतलब कि मनुष्य जिस प्रकार के कार्य इस जन्म के अंदर करेगा उसे वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे, और मनुष्य को अगले जन्म के अंदर भी अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। तो कर्मवाद का ये बताया गया, इसके अंदर मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल, मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल, मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल। छात्रों, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का पालन करने पर बल दिया गया है और कहा गया है कि ना तो मनुष्य को अधिक भोग विलास करना चाहिए, ना ही मनुष्य को भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए। क्या कह रहा है बौद्ध धर्म की, ना तो मनुष्य को अधिक भोग विलास करना चाहिए, ना ही मनुष्य को भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए, अपितु मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, कोई बीच का मार्ग अपनाना चाहिए और बीच के मार्ग पर चलना उसे चाहिए। तो इससे पता पड़ता है छात्रों की मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ना तो मनुष्य को भोग विलास से अधिक दूर रहना चाहिए और ना ही मनुष्य को जो अधिक भोग विलास है, ना तो मनुष्य को अधिक भोग विलास करना चाहिए, ना ही मनुष्य को अधिक भोग विलास से दूर रहना चाहिए। मतलब बीच, ना तो अधिक भोग विलास करे मनुष्य और भोग विलास से दूर भी नहीं रहे, मतलब बीच के अंदर मध्यम मार्ग वो अपनाए। तो मध्यम मार्ग अपनाने पर जो बल दिया गया है किसमें दिया गया है, बौद्ध धर्म के अंदर। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंदर जो अगला जो सिद्धांत है, शिक्षाएं बौद्ध धर्म की, वो है छात्रों इसकी अनात्मवाद। अनात्मवाद छात्रों, जो बौद्ध धर्म है
अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है, अनात्मवाद को अनात्मवाद को निरात्म निरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया। भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया। आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है, उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है कि आत्मा है और न ही यह कहा कि आत्मा नहीं है, यह कहा कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग को अपनाया। उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है और न ही यह कहा कि आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचेगा कि और आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचेगा कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। छात्रों बौद्ध धर्म के अंदर अनात्मवाद, छात्रों पुनर्जन्म को तो ही स्वीकारता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहा है कि इस जन्म के अंदर जो कर्म किए आपने उसको अगले जन्म के अंदर भोगना पड़ेगा, परंतु ईश्वर की सत्ता के अंदर विश्वास ये नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ ये आत्मा के अंदर जो भगवान बुद्ध है ये क्या है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। मध्यम मार्ग किस प्रकार से कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के संबंध में मध्यम मार्ग अपनाया है। उन्होंने न तो यह कहा है, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया है, उन्होंने न तो यह कि आत्मा है, ये न तो यह कहा कि आत्मा है और न ही यह कहा कि आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्या किया है, भगवान बुद्ध क्या अपना रहे, भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग अपना रहे आत्मा के संबंध के अंदर। और भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं कि उन्होंने न तो ये कहा है कि आत्मा है और न ही ये कहा है कि आत्मा नहीं है, मतलब आत्मा है ये भी नहीं कह रहे हैं और आत्मा नहीं है ये भी नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल बीच के मार्ग अपना रहे महात्मा बुद्ध। और छात्रों क्योंकि ऐसा मार्ग क्यों अपनाया, क्योंकि आत्मा है, यदि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी, आत्मा है तो मनुष्य क्या होगी आसक्ति हो जाएगी, और आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचेगा कि मृत्यु के बाद में उसका क्या होगा। छात्रों यहां पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना तो आत्मा है और न ही यह कहा है कि आत्मा नहीं है, बीच के मार्ग में अपना रहे। क्यों अपना रहे, इसलिए अपना रहे क्यों, क्योंकि यदि वो कहते हैं कि यदि आत्मा है तो मनुष्य को आसक्ति हो जाएगी और यदि आत्मा नहीं है तो मनुष्य ये सोचेगा कि मेरे मरने के बाद में मेरा क्या होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि महात्मा बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग अपनाया। पुनर्जन्म में विश्वास
पुनर्जन्म में विश्वास। छात्रों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। मनुष्य पुनर्जन्म के जो चक्र से तृष्णाओं का अंत करके और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के अंदर पुनर्जन्म के सिद्धांत को अपनाया गया है, पुनर्जन्म को माना गया है, पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। बौद्ध धर्म कहता है कि मनुष्य यदि सदकर्म करेगा तो पुनर्जन्म के जो बंधन से मुक्त हो जाएगा, पुनर्जन्म के चक्र से ये मुक्त हो जाएगा। और यदि वो सदकर्म नहीं करता है तो उसे अपने कर्मों का फल जो अगले जन्म के अंदर भी भोगना पड़ेगा। तो छात्रों, तो ये क्या है, पुनर्जन्म के अंदर विश्वास है। किसका विश्वास है? ये विश्वास है बौद्ध धर्म का। निर्वाण प्राप्त करना, छात्रों निर्वाण प्राप्त करना, अगला सिद्धांत है निर्वाण प्राप्त करना, प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य, बौद्ध धर्म के अनुसार जो बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। क्या लक्ष्य छात्रों? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, प्राप्त करना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। छात्रों, इसका दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। तो निर्वाण क्या है छात्रों? बौद्ध धर्म सभी धर्मों का, बौद्ध धर्म ही नहीं, जैन धर्म, वैदिक धर्म, सभी धर्मों का यही उद्देश्य है कि अंतिम में जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर जाए, तृष्णाओं से उसको छुटकारा मिल जाए, पुनर्जन्म के बंधन से उसको छुटकारा मिल जाए। इसीलिए छात्रों कहा गया है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो निर्वाण प्राप्त करना अर्थात बौद्ध धर्म का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या है? दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। दीपक का बुझ जाना मतलब आत्मा रूपी जो लो है इसका बुझ जाना और जन्म मरण के चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, इसे क्या कहते हैं? निर्वाण प्राप्त करना। तो छात्रों, इसके अतिरिक्त जो इस अवस्था में जब निर्वाण प्राप्त कर लेता मनुष्य, तो इसके अंतर्गत क्या है कि वो सुख दुख जीवन मृत्यु इस पर तृष्णा इस प्रकार से क्या है छात्रों, रोग बुढ़ापा इन सभी से उसी को छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो जो मोक्ष प्राप्त करने की छात्रों निर्वाण प्राप्त, जब मनुष्य को निर्वाण प्राप्त होता है छात्रों, इसमें ऐसे देखिए, निर्वाण प्राप्त करना बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वो विद्या अविद्या तृष्णा जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। छात्रों, अगला जो टॉपिक है छात्रों इसके अंतर्गत अर्थात जो सिद्धांत है, अगली जो शिक्षा है वो है छात्रों इसके अंतर्गत कार्य कारण का संबंध, कार्य कारण का संबंध। तो छात्रों, महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे, संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे किसी कारण का होना मानते हैं। पीछे किस वस्तु के पीछे या घटना के पीछे किसी कारण का होना मानते हैं, किसी कारण का होना मानते हैं
होना मानते हैं। छात्रों, जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का ही कारण का संबंध है। इसमें महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु के पीछे या प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बिना कारण कोई भी घटना घटित नहीं होती है। तो छात्रों, कार्य कारण का जो सिद्धांत है, कार्य कारण का संबंध ये बोध ग्रंथ के अंदर बताया गया है। बोध ग्रंथों के अंदर कि महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी कारण का होना मानते हैं। क्षणिकवाद बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। सभी परिवर्तित होती हैं। सभी में परिवर्तन होता है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। छात्रों, बौद्ध धर्म के अंदर जो क्षणिकवाद बताया गया है, बौद्ध धर्म की शिक्षा है। अगला सिद्धांत छात्रों, क्षणिकवाद का सिद्धांत इसके अंदर बताया गया है जगत परिवर्तनशील है। क्या बताया गया छात्रों? जगत परिवर्तनशील है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, अर्थात संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं वो सभी क्षणिक है, परमानेंट कोई भी वस्तु नहीं है। जिस वस्तु का जन्म हुआ है, जिस वस्तु का निर्माण हुआ है, अर्थात किसी भी वस्तु का कोई निर्माण हो रहा है, जैसे कोई पेन है उसका उसको बनाया गया है, तो उसके अंदर वो शाही वो खत्म भी होगी, वो टूटेगा भी। इसी प्रकार से मानव का जन्म हुआ है तो मानव जो बच्चे से बड़ा भी होगा तथा बड़ा है तो बड़े से वो वृद्ध भी होगा और अंत में उसकी मृत्यु भी होगी। तो जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो इसमें बताया गया है कि जगत परिवर्तनशील है। संसार क्या है कि परिवर्तनशील है। इसके अंदर संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है। संसार की सभी वस्तुएं वो अस्थायी है, स्थायी कोई भी नहीं है। सभी को एक दिन नष्ट होना है। सभी में परिवर्तन होता है। संसार की सभी वस्तुओं में परिवर्तन है, समय समय पर होता है। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। क्या बता रहा है क्षणिकवाद का सिद्धांत? इसी अंदर बताया गया है जगत परिवर्तनशील है, संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है। क्या बताया गया छात्रों? क्षणिकवाद के सिद्धांत के अंदर, क्षणिकवाद के सिद्धांत में क्या बताया गया है? जगत परिवर्तनशील है, संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक है, सभी में परिवर्तन होता है, सभी कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। छात्रों, अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म जो ईश्वर की सत्ता के अंदर विश्वास नहीं रखता है, और बौद्ध धर्म क्या करता है छात्रों? ईश्वर की सत्ता के अंदर बौद्ध धर्म का विश्वास नहीं करता है। यह ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को बल देता है। क्या करता है ये? ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं। ईश्वर की सत्ता में किसे विश्वास नहीं है? बौद्ध धर्म को विश्वास नहीं है। ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल ईश्वर के स्थान पर क्या करता है छात्रों? ये कि मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। अर्थात अनिश्वरवादी ईश्वर को सृष्टिकर्ता बौद्ध धर्म नहीं मानता है तथा ईश्वर की सत्ता में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म क्या है कि अनिश्वरवादी है। छात्रों, कार्य कारण का संबंध
माता वो संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे या घटना के पीछे किसी कारण का होना मानते हैं। क्षणिकवाद, इसके अंतर्गत जगत परिवर्तनशील है, संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, सभी में परिवर्तन होता है, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। अनीश्वरवादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म तथा ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल देता है।